राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने एक बार फिर से अपने मंत्री बनने की बात दोहरा दी है। ओपी राजभर ने कहा है कि तकनीकी चीजें रही जिस वजह से मंत्रिमंडल विस्तार चला और वो निश्चित मंत्री बनेंगे। ओपी राजभर ने इंडी गठबंधन में जारी लड़ाई पर कहा, गठबंधन में सबसे पहले अखिलेश यादव ने झगड़ा शुरू किया और अब गठबंधन टूट की कगार पर पहुंच गया है। इस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं थी, आपका मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चाएं थी, आपने कहा भी था कि 7 तारीख को बताएंगे या तारीख बताएंगे किस दिन होना है, तो क्या लग रहा है सर कि कुछ टेक्निकल चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से होगा मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? निश्चित होंगे, काय नहीं होंगे। कुछ ऐसा संदेशा आया है कि मंत्रिमंडल में शामिल होना है, मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, बस तारीख नहीं तय हो पा रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विस्तार की तो चर्चा तय है कि चुनाव नज़दीक आते हैं, तो अब तक का इतिहास है कि विस्तार हुए हैं, उसी में विस्तार होगा। भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाती है, अब झगड़ा तो खुद कर रहे हैं, गठबंधन बनाए और उस गठबंधन में सबसे पहले झगड़ा अखिलेश जी से शुरू हुआ और अब तो यहाँ तक झगड़ा का आ गया है कि गठबंधन टूटने की कगार पर है। दोनों तरफ से म्यान से तलवारें निकल चुकी हैं, तलवार चल रही है दोनों तरफ से, धुआंधार। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शीतकालीन सत्र 1 हफ्ते का होगा और कैबिनेट से पहले ही इस पर मुहर लग चुकी है। नोएडा में महादेव बेटिंग ऐप के 18 आरोपियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। थाना सेक्टर 39 में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। बता दें, केंद्र सरकार ने महादेव सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। पहले नोएडा सेक्टर 39 पुलिस द्वारा एक मल्टी करोड़ ऑनलाइन बेटिंग स्कैम महादेव का खुलासा किया गया था। उसी सिलसिले में आज आगे कार्रवाई करते हुए 18 अभियुक्त के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करी गई थी, जिसमें गैंग लीडर तरुण है। जल्द ही इनका संपत्ति का ब्यौरा लिया जाएगा और इनकी संपत्ति जब्तीकरण भी किया जाएगा। अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है।